सिंगापुर में किशोरावस्था के लिए जेल में भारतीय मूल फिजियोथेरेपिस्ट लिप डेगरगू ने एक साल पहले अपने क्लिनिक में एक फिजियोथेरेपी सत्र के दौरान किशोर लड़की को अनुचित रूप से छुआ था, वह कल सजा सुनाई थी। एक भारतीय मूल के फिजियोथेरेपिस्ट को उपचार के दौरान 18 वर्षीय मरीज के साथ छेड़खानी के लिए 11 महीने की जेल और गन्ना के 3 स्ट्रोक की सजा सुनाई गई थी। 43 वर्षीय लिकमैन मरणदेगरगू ने एक साल पहले के बारे में अपने क्लिनिक में एक फिजियोथेरेपी सत्र के दौरान किशोर लड़की को अनुचित रूप से छुआ था, वह कल सजा सुनाई थी। पिछले साल 25 मार्च को इस लड़की ने क्लिनिक में देगरगू का दौरा किया था, जिसमें एक पीड़ित और कुल्हे के दर्द के लिए उपचार किया गया था। तब देगरगू ने उसे एक चिकित्सा कक्ष में एक मालिश बिस्तर पर निर्देशित किया। मालिश के दौरान उसने किशोरावस्था को अपने ऊपर से निकालने के लिए कहा और अपने शॉर्ट्स को ढीला कर दिया। शिकार के रूप में उसने सोचा कि यह इलाज का हिस्सा था, पीछा किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि डेगरगू ने उसे अंडरवियर और शॉर्ट्स रोल करने के बाद 2 बार उसके साथ छेड़छाड़ की थी। उपरांत अभियोजक गैलवान ने कहा, पीड़ित ने संपर्क से असहज महसूस किया, लेकिन उसने चिल्लाए या मदद के लिए नहीं पूछा, क्योंकि वह अनिश्चित थी कि यह इलाज का हिस्सा था या नहीं। मालिश समाप्त हो गई जब पीड़ित ने देगरगू को अपने दोस्त से बात करते हुए सुना था, जो कमरे में नजर रखता था और उसे नग्न खोजने के लिए आश्चर्यचकित था। सत्र समाप्त होने के बाद उसने उसे अपनी स्थिति का आकलन करने के लिए एक रिपोर्ट दी। लड़की ने शुरू में शिकायत नहीं की थी, क्योंकि उसने सोचा था कि यह इलाज का हिस्सा था, लेकिन लगभग 4 घंटे बाद एक पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने से पहले, जब उसने करीब 7:40 बजे स्थानीय समय क्लिनिक छोड़ दिया, तब अंत में उसने अपने दोस्त को अपनी परीक्षा के बारे में बताया। देगरगू एसजीडी 10,000 जमानत पर बाहर है। जब अदालत ने अपनी सजा को स्थगित करने का अनुरोध दिया, क्योंकि उन्हें कुछ व्यक्तिगत मामलों का निपटा करना था। द स्ट्रीट्स टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वह अपनी सजा की सेवा शुरू करने के लिए 20 अप्रैल को खुद को राज्य न्यायालय में आत्मसमर्पण करेंगे।